आज हम बात करेंगे फिल्म रॉकी हैंडसम की, जो दक्षिण कोरियाई हिट फिल्म द मैन फ्रॉम नोवेयर का ऑफिशियल रीमेक है। कोरियन एक्शन मूवीज में हिंसा बहुत ही क्रूर तरीके से दिखाई जाती है और रॉकी हैंडसम इस बात का पूरी तरह पालन करती है। लेकिन कोरियाई फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने में निर्देशक और लेखक ने मूल फिल्म की धार खो दी है। गोवा में रहने वाला कबीर अहलावत अतीत में हुई एक दुर्घटना के कारण खामोश और उदास रहता है। वह लोगों की चीजें गिरवी रख पैसा उधार देता है। पड़ोस में रहने वाली 7 वर्ष की लड़की नाओमी को वह बेहद चाहता है। एक दिन कुछ गुंडे नाओमी को उठाकर ले जाते हैं। कबीर का खून खौल उठता है। वह अकेला ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसकी टक्कर ड्रग्स, बच्चों को उठाने और मनुष्य के अंग बेचने वाले माफिया से होती है। वन मैन आर्मी कबीर उस माफिया की दुनिया उलट कर रख देता है। फिल्म की कहानी एकदम सीधी है और पूरी तरह से एक्शन पर डिपेंड है। स्क्रिप्ट में लॉजिक को साइड में रखते हुए सारा फोकस एक्शन पर दिया गया है। बच्ची तक पहुंचने में जो थ्रिल होना चाहिए वो गायब है। कबीर बहुत ही आसानी से सब कुछ कर देता है जो पुलिस के लिए नामुमकिन था। जहां तक एक्शन की बात है तो वो जबरदस्त है। खास तौर पर क्लाइमेक्स में गजब का एक्शन देखने को मिलता है। कबीर इस तरह से चाकू छुरे चलाता है मानो वह गाजर मूली काट रहा हो, लेकिन बिना इमोशन के यह एक्शन बेजान लगता है। निर्देशक के रूप में निशिकांत कामत ने कुछ बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन रॉकी हैंडसम में वे आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। उनका प्रस्तुतिकरण कंफ्यूजिंग है। वे फिल्म के मुख्य किरदारों को दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पाए। नाओमी के लिए जो दर्द कबीर महसूस करता है वो दर्शक नहीं कर पाते हैं। बतौर एक्टर जॉन अब्राहम के पास लिमिटेड रेंज है और इसी रेंज में उन्हें निर्देशक ने रखा है। पूरी फिल्म में वे अपना स्टाइलिश लुक देते नजर आए और एक एक्सप्रेशन उन्होंने चेहरे पर रखा है। बमुश्किल कुछ संवाद उन्होंने फिल्म में बोले हैं। लगता है बॉलीवुड के प्रति श्रुति हसन गंभीर नहीं है और इसीलिए वे इतने महत्वहीन रोल कर रही हैं। निशिकांत कामत ने भी एक किरदार अदा किया है और उनका अभिनय ठीक है। बेबी दिया की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन उन्हें भारी भरकम डायलॉग्स दिए गए हैं। फिल्म में 3-4 गाने भी हैं जो कि कहानी में फिट नहीं होते। शायद निर्देशक यह मानकर बैठे थे कि बिना गाने और हीरोइन के हिंदी फिल्म अधूरी रहती है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बेहतरीन है और गोवा को अलग ही अंदाज में पेश किया गया है। कुल मिलाकर रॉकी हैंडसम उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फिल्म में सिर्फ और सिर्फ एक्शन देखना पसंद है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।